कुकिंग फन में स्वागत दोस्तों। आज मैं आपके लाया हूँ होटल रेस्टोरेंट की स्पेशल ग्रेवी, जिससे 50 से भी ज़्यादा सब्जियाँ बनाई जाती हैं इस ग्रेवी से। इसे बनाने में कौन कौन सी चीज़ें प्रयोग होती हैं, कौन कौन से ट्रिक यूज होती है, साथ ही साथ इस वीडियो में टिप्स ही बताने वाला हूँ। इसे बनाकर आप 2 से 3 दिन तक इसे स्टोर भी कर सकते हैं और इसे कई सब्जियाँ बना सकते हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आधी कटोरी काजू लिया गया है, इसे हम लोग एक बड़े कटोरी में डाल देंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर खरबूजे का बीजा लिया गया है, ये पेट के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अब इसमें हम लोग खसखस डालेंगे, लगभग 1/4 कटोरी, इसे पोसा दाना भी बोलते हैं, इसे हम लोग ऐड कर देंगे। उसके बाद इसे हम लोग फुलो कर रखेंगे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। जब ये अच्छी तरीके से फूल जाएगी तब इसे मिक्सी में हम लोग पीस लेंगे। तब तक यहाँ पर प्याज काट ली गई है, यहाँ पर 3 kg प्याज ली गई है, इसे जो है बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया गया है। यहाँ पर लगभग 1 kg टमाटर लिया गया है, उसे भी बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया गया है। इसे हम लोग टमाटर को मिक्सी में पीस कर पेस्ट इसका बना लेंगे। फिर लहसुन, अदरक और हरे मिर्ची का भी पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर आधी आधी कटोरी इन तीनों को लिया गया है, इसे भी हम लोग मिक्सी में अच्छे तरीके से पीस लेंगे। अब हम लोग करी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 500 ग्राम तेल डाला गया है, रिफाइंड ऑयल, आप सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, होटल या रेस्टोरेंट में ज़्यादातर रिफाइंड यूज होता है। उसके बाद यहाँ पर खड़े मसाले डाले गए हैं लगभग 25 ग्राम, इसे यहाँ पर डाल दिया गया है जब तेल हमारा गर्म हो गया। इसके बाद बिल्कुल जो बारीक कटी हुई प्याज थी इसमें हम लोग डाल कर उसे भूनेंगे। प्याज भूनने में दोस्तों समय लगेगा, लगभग 10 से 15 मिनट का समय लग सकता है। प्याज भूनते वक्त दोस्तों ध्यान रखना है कि प्याज को भूनते वक्त चलाते रहना है ताकि ये हमारे नीचे पकड़े ना, और दोस्तों प्याज हमारी जल्दी गल जाए। इसके लिए हम लोग इसमें नमक पहले ही डाल देंगे। नमक डालने से क्या होगा, प्याज हमारी जल्दी से गल जाएगी और जल्दी भूरे कलर की हो जाएगी। अब इसे दोस्तों समय तो लगेगा, लगभग 10 से 15 मिनट का समय लगेगा, इसे हमें चलाते रहना है। जब ये हमारी भूरे कलर की हो जाएगी तब इसमें हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। जब इस कलर की दोस्तों हो जाए तब इसमें हम लोग मसाले ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं प्याज हमारी बिल्कुल भूरे कलर की हो चुकी है। जब इस कलर की हो जाए तब इसमें हम लोग अपना लहसुन, अदरक और हरे मिर्चे का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। पेस्ट डालने के बाद इसे लगभग 1 मिनट तक अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि पेस्ट हमारा अच्छी तरीके से भून जाए। अब दोस्तों ग्रेवी को गाढ़ी करने के लिए आप यहाँ पर बेसन डाल सकते हैं, लगभग 100 ग्राम तक। बेसन डालने से क्या होगा कि ये ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो जाएगी। वैसे हम लोगों ने काजू और पोस्ता दाना का पेस्ट बनाया है, उससे भी गाढ़ी होती है। अगर आप घर पर ये बना रहे हैं तो आप इसे बेसन को स्किप कर सकते हैं। बेसन से क्या होगा, ये हमारी गाढ़ी हो जाएगी। बेसन डालने के बाद इसे हम लोग लगभग 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। जब बेसन में हमारी महक आने लगेगी तब इसे पूरी तरीके से भून जाएगा, तब इसमें हम लोग मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हल्दी पाउडर डाल दिया गया है, लगभग यहाँ पर 4 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिए जाएंगे दोस्तों। साथ ही साथ बेसन हमारा भुन रहा है, बेसन भुनने के बाद इसका स्वाद जो है बढ़ जाएगा। अगर आप बेसन नहीं डालना चाहते तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें कश्मीरी मिर्च डाली जा रही है, नितेगी मिर्च, इससे क्या होगा ग्रेवी में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। पहले डाल दिया जा रहा है ताकि तेल में हमारा इसका बाद में कलर आए। अब इसमें हम लोग काजू और पोस्ता दाना का पेस्ट इसमें डाल दिया गया है, तीनों का पेस्ट इसे जो है मिक्सी में पीस लिया गया था, फिर इसमें जो है डाल दिया गया है। अब इसे हम लोग लगभग 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे अच्छी तरीके से। जब 1 से 2 मिनट हो जाएगा तब हम लोग टमाटर का पेस्ट भी इसमें डालकर चलाएंगे। इसे लगभग 1 मिनट तक अच्छी तरीके से चलाएंगे। फिर दोस्तों इसमें हम लोग पिसी लाल मिर्च तीखा करने के लिए 1 बड़ा चम्मच डाला गया है। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो यहाँ पर इसे स्किप कर सकते हैं। फिर दोस्तों धनिया पाउडर यहाँ पर 2 बड़े चम्मच डाले जाएंगे। धनिया पाउडर ज़्यादा पड़ता है ग्रेवी में, तो यहाँ पर 2 बड़े चम्मच डाल दिए जाएंगे। इसके बाद इसे अच्छी तरीके से हम लोग चलाएंगे। गरम मसाला अभी नहीं ऐड करेंगे, गरम मसाला हम लोग लास्ट में ऐड करेंगे। अभी इसे डालने के बाद इसे हम लोग थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले हमारे जले ना, इससे पहले थोड़ा सा हींग डाल देंगे। लगभग 1 छोटा चम्मच हींग डाल दिया गया है। अब इसमें हम लोग पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले हमारे जो है जले ना और अच्छे तरीके से पक जाएं। पानी थोड़ा सा डालने के बाद इसे हम लोग चलाएंगे लगभग 1 से 2 मिनट तक। जब ये पानी हमारा खौलने लगेगा इसका मतलब मसाले हमारे पक चुके हैं, तेल हमारे ऊपर आ चुके हैं, मसाले हमारे पक चुके हैं। अब इसमें हम लोग किचन किंग मसाला डाला जा रहा है। किचन किंग मसाला के बाद इसमें गर्म मसाला डाल देंगे।
गरम मसाला डालने के बाद इसे हम लोग चलाएंगे। गरम मसाला पहले से ही भुना हुआ होता है, तब भी इसे हम लोग पका लेते हैं लगभग एक मिनट तक। उसके बाद इसमें हम लोग पानी ऐड कर देंगे। पानी यहाँ पर 2 से 3 लीटर पानी यहाँ डाल दिया जाएगा। इसके बाद इसे खौलने का इंतज़ार करेंगे। जब ये खौलने लगेगी इसका मतलब ये रेडी हो चुकी है। दोस्तों इसी तरीके से रेस्टोरेंट ढाबों में या होटलों में तैयार कर ली जाती है। उसके बाद इसे 50 से भी अधिक सब्जियाँ बनाई जाती हैं। छोला मसाला, आलू मटर, आलू टमाटर, मटर पनीर, शाही पनीर और खोया पनीर, इस तरीके से ढेर सारी सब्जियाँ बनाई जाती हैं। अगर आपको आलू मटर बनाना है तो आलू को उबाल लिया जाता है, मटर को उबाल लिया जाता है, उसके बाद यही ग्रेवी उसमें डाल दी जाती है। आलू मटर रेडी हो जाती है। आप इसे फ्रिज में 3 से 4 दिन तक रख कर स्टोर कर सकते हैं। मैं इसी तरीके से ढेर सारी वीडियो लाने वाला हूं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।